हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर से यूनिट नंबर फर्स्ट के इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, आइए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस को। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट अ ब्रीफ नोट ऑफ के एस वेंकट रमणी। वेंकट रमणी के ऊपर एक नोट लिखिए। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर लाइन बाई लाइन समझते हैं। के एस वेंकट रमणी इज एन इंडो एंग्लियन राइटर। के एस वेंकट रमणी एक इंडो एंग्लियन राइटर हैं, यानी आंग्ल भारतीय लेखक हैं। ऑफ द प्री इंडिपेंडेंस इरा, स्वतंत्रता के पूर्व। ब्रिलियंटली फोकसेस ऑन द इम्पैक्ट ऑफ महात्मा गांधी। उन्होंने ब्रिलियंटली मतलब शानदार तरीके से महात्मा गांधी के इम्पैक्ट पर, यानी महात्मा गांधी के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया था। ही इज अ नॉवलिस्ट, वह एक नॉवलिस्ट हैं, यानी उपन्यासकार हैं। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। ही इंटरवेव्स ऑफ द नॉवल कीपिंग इन द व्यू द गांधीयन आइडियोलॉजी। उन्होंने गांधीयन आइडियोलॉजी यानी गांधीवादी विचारधारा को ध्यान में रखते हुए उपन्यास को इंटरवेव्स किया, यानी उपन्यास को पिरोया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट अ नोट ऑन कमला मारखंडे। कमला मारखंडे पर एक टिप्पणी लिखिए। लेट्स सी द आंसर। आइए इस क्वेश्चन का आंसर भी लाइन बाई लाइन समझते हैं। कमला मारखंडे वॉज ब्रॉट अप इन साउथ इंडिया। कमला मारखंडे का ब्रॉट अप मतलब लालन पालन हुआ इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत में। बट हर वर्क्स डू नॉट कन्फाइन टू प्रोविंसिकल करेक्टर्स एंड थीम्स। लेकिन उनकी रचनाएं प्रोविंसिकल करेक्टर्स यानी प्रांतीय पात्रों और थीम्स विषयों तक सीमित नहीं हैं। हर वर्क्स आर अ रियलिस्टिक डेलिनिएशन ऑफ द डबल पुल्स। उनकी रचनाएं डबल पुल्स यानी उस दोहरे खिंचाव का रियलिस्टिक डेलिनिएशन है, यानी यथार्थवादी चित्रण है। दैट इंडियन वोमेन इज सब्जेक्टेड टू बिटवीन हर डिजायर टू एसर्ट हर सेल्फ एज एन इंडिविजुअल एंड हर ड्यूटी इन द कैपेसिटी ऑफ डॉटर वाइफ एंड मदर। जो भारतीय महिलाओं को एक व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने की इच्छा और एक डॉटर बेटी वाइफ पत्नी और मदर माँ के रूप में अपने कर्तव्य के बीच झेलना पड़ता है। सी ऑल्सो पॉइंट्स आउट, वह बताती हैं हाउ द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, ये किस प्रकार सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन यानी सामाजिक आर्थिक दशा अफेक्ट प्रभावित करती हैं द वोमेन मोस्ट, अधिक से अधिक महिलाओं को प्रभावित किया करती हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट अ नोट ऑन नयनतारा सहगल। नयनतारा सहगल पर टिप्पणी लिखिए। आइए आंसर समझते हैं। नयनतारा सहगल वॉज बॉर्न ऑन May 10, 1927। नयनतारा सहगल का जन्म 10 मई 1927 को हुआ था इनटू वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिलीज, यानी इंडिया के सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध पॉलिटिकल परिवार में हुआ था। विद हर मदर विजय लक्ष्मी पंडित एज इंडियाज फर्स्ट एम्बेसडर टू UN। उनकी माँ विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रथम एम्बेसडर थी, यानी राजदूत थी। हर अंकल जवाहरलाल नेहरू एज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। उनके अंकल का नाम जवाहरलाल नेहरू था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे।
एंड हर फर्स्ट कज़िन उनकी पहली चचेरी बहन इंदिरा गांधी थी एज इंडियाज थर्ड प्राइम मिनिस्टर, इंडिया की तीसरी प्रधानमंत्री बनी। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ये आश्चर्य वाली बात नहीं है कि पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, जो राजनीति और जो इतिहास है, इंस्पायर, उसने प्रेरित किया, मच ऑफ हर राइटिंग, उनकी राइटिंग को प्रेरित किया। तो दोस्तों, ये था यूनिट फर्स्ट के कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो वह आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, तो तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।